नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक एफबीटी 9th एंड बीएससी एफएसटी 9th। सो टुडे सेशन ऑफ योर टॉपिक टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट और योर कोर्स सेंसरी इवैल्यूएशन इज पैकेजिंग डिजाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग डिजाइन एक्चुअली होता है क्या? तो पैकेजिंग डिजाइन क्या एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग को डिजाइन करते हैं कि आपको क्या क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन रखनी है, किस तरीके से उसकी आइडेंटिफाई हो सके, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे हुई है, मतलब सब कुछ उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले जो भी आप पैकेजिंग में डिजाइन रखते हैं वो सब आपका पैकेजिंग डिजाइन प्रोसेस के अंदर आता है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइनिंग मतलब कि आपको उसके पैकेट को कैसे डिजाइन करना है, उसमें आपको क्या कलर डालने हैं, क्या फॉन्ट साइज डालना है, क्या नाम डालना है, आपको कैसे मतलब उसमें कुछ पिक्टोरियल डायग्राम डालने हैं, कुछ कार्टून डालने हैं, तो ये सब चीजें आप क्या है आपकी पैकेजिंग डिजाइन के अंदर का पार्ट है। सो देर आर सेवरल स्टेप्स फॉर द पैकेजिंग डिजाइन। द फर्स्ट स्टेप इज दैट द अंडरस्टैंड द पैकेजिंग लेयर। क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट की क्या कुछ आपकी लेयर्स होती है, हर पैकेट की लेयर्स होती है। सो बेसिकली देर आर थ्री लेयर्स ऑफ अ प्रोडक्ट पैकेजिंग। द फर्स्ट वन इज द आउटर लेयर, सेकेंड इज द इनर पैकेजिंग एंड द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट पैकेजिंग। ऑल दिस लेयर मस्ट बी इन देयर इन अ प्रोडक्ट। ठीक है, हर प्रोडक्ट में आपकी ये तीन लेयर होंगी। अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका आपका यहाँ पे आउटसाइड पैकेज दिखा रखा है, इनसाइड पैकेज दिखा रखा है। अगर कंबाइनेशन में बोला जाए तो ये आपका पूरा क्या है प्रोडक्ट की पैकेजिंग है कि ये एक्चुअली होती कैसे है। अब आउटर लेयर में तो जहाँ पर आपके मतलब आपकी जो पैकेट है वो आपका जो आउटर इन्वायरमेंट से जो आपका मिल रहा है वो आपका आउटर पैकेज के अंदर आता है। इनर पैकेज में क्या आता है आपका जो आपके फूड से मिल रहा है। ठीक है, तो वो सब आपका किसमें आता है, इनर पैकेज के अंदर आता है। जो आपके फूड के एनवायरनमेंट से मिल रहा है वो इनर में है और जो आपके आउटर एनवायरनमेंट से मिल रहा है कंज्यूमर के वो आउटर पैकेज में है। तो दिस इज द पैकेजिंग लेयर कंसेप्ट। सेकेंड इज टू चूज द राइट टाइप ऑफ पैकेजिंग। अब हमने जैसे आपने जो पैकेजिंग टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की बात की थी हमने प्रीवियस सेशंस में, तो उसमें हमने बताया था कि हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग होती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम अपनी पैकेजिंग चूज करते हैं। हमें एसेप्टिक पैकेजिंग चाहिए, हमें बॉक्स पैकेजिंग चाहिए, हमें शीट पैकेजिंग चाहिए, क्रेज चाहिए, कैसी चाहिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग शुड बी डिसाइडेड। द थर्ड वन इज टू लाइन अप योर प्रिंटर। मतलब कि अब आपने यहाँ पे पैकेजिंग देख लिया कि आपको लेयर्स कितनी रखनी है, आपको कौन से टाइप की पैकेजिंग रखनी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंटिंग करनी है। क्योंकि प्रिंटिंग आप ऐसा तो है नहीं कि आप प्रिंटिंग आफ्टर डिजाइन लोगे, तो प्रिंटिंग जो आपकी पैकेट की होगी वो पहले होगी, फिर देन उसका आपका फिर उसमें डिजाइन कम्प्लीट किए जाएंगे। तो पहले हम फिर तीसरे स्टेप पे करेंगे प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग किसकी, जो जो आपको उसमें मतलब कैसे कलर्स रखने हैं, किस कलर का पैकेट चाहिए, किस शेप का पैकेट चाहिए, तो ये सब आपकी प्रिंटिंग के अंदर आएगा। और आपको कैसा फॉन्ट साइज चाहिए, फिर आप उसमें इसमें आफ्टर डिजाइन आप इसको करेंगे, इसको मतलब इसमें फिर आफ्टर डिजाइन आप डिजाइन देंगे, इसमें आफ्टर प्रिंटिंग डिजाइन देंगे। देन द फोर्थ वन इज टू क्रिएट द क्रिएट योर इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। मतलब कि यहाँ पर आपको करेंगे इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट देंगे सारा, कि आपको कैसी मतलब आप सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, डाइटरी सर्वे डालेंगे कि आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, आपका वेट कितना है प्रोडक्ट का, कितने ग्राम्स का है, आप इसमें प्राइस डालेंगे, आप इसमें एमआरपी हो गया इसका मतलब इसकी बेस्ट आफ्टर यूज डालेंगे कितना हो सकता है। तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन जो आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सब आप इसमें पैकेजिंग आपके इसमें जो आएगा उसमें आप लाइन अप करेंगे। देन फिर आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या आता है कि आप इसमें पैकेजिंग डिजाइन आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसमें आप इसको इवैल्यूएट करोगे, क्योंकि बायर्स कोई भी ऐसी चीज अपनी अपने मनी ऐसी जगह स्पेंड नहीं करेगा जहाँ उसको चीज समझ नहीं आएगी। तो पहले आप इवैल्यूएशन करोगे, मार्केट सर्वे करोगे, लोगों से पूछोगे कि अगर आपको अच्छा लगा है तो क्यों लगा है, इसके इसके मतलब उसके प्रोवाइड कॉल सब उससे उनसे बायर से पूछोगे। ठीक है, तो आपका एक तरह से वैल्यूएशन होगा। देन इन लास्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप उसका फीडबैक कलेक्ट करोगे। फीडबैक कलेक्ट मतलब कि अब आपने सब कुछ कर दिया, आपको फीडबैक कलेक्ट करना है कि आप कैसा मतलब आपका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, वेदर पीपल लाइक इट और नॉट। ठीक है, अगर लोगों ने नहीं पसंद किया है तो क्या क्या कमियां रही हैं, फिर उन कमियों को देख के उन लिमिटेशंस को देख के आप आगे क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज पॉजिटिव आए हैं,
फिर आप क्या करोगे, उसको मार्केट में सेल आउट करोगे, ठीक है, फिर उसके एडवर्टीजमेंट निकलेंगे, फिर उसकी फर्दर आगे बहुत सारी चीज होंगी। पर ये आपकी जो पैकेजिंग की डिजाइन होती है, तो उसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके स्टेप्स होते हैं जो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी फॉलोड। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल विद दिस सेशन। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो। इन केस ऑफ एनी डाउट, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।